गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और कल एक बहुत ही भारी स्टंट खेला था ग्रुप के बारे में, ग्रुप्स में बेसिकली। तो उसके बारे में मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, इम्पोर्टेंट अपडेट ग्रुप्स के बारे में। प्लान बी जो है वो 2 दिन के अंदर रोल आउट हो जाएगा। उसके जितने भी सपोर्ट, डेडिकेटेड सपोर्ट मेंबर्स हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ और सिलेक्शन भी चालू है। तो 2 दिन के अंदर वो फाइनलाइज़ हो जाएगा, और जैसे ही वो फाइनलाइज़ हो जाते हैं तो लोगों को मैं मूव करना शुरू कर दूंगा, ठीक है, वो ग्रुप्स में। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। और दूसरी बात कि जो भी मैंने ये किया था, बेसिकली वो एक रीज़न था सबसे बड़ा उसके पीछे। वो रीज़न साइकोलॉजिकल रीज़न था बेसिकली, आप सबको खुद को सेल्फ रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फिट है कि नहीं, ठीक है। और ये ज़रूरी है आपको खुद को रियलाइज़ करना, क्योंकि देखिए बिजनेस में आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है पेशेंस लेवल, ठीक है। आपको बिजनेस में पेशेंस की बहुत ज़रूरी है पेशेंस, क्योंकि रातों रात आप करोड़पति नहीं बन जाने वाले, या रातों रात आपको 10-50 हज़ार के ऑर्डर्स भी नहीं आने वाले, ठीक है। तो आपको पेशेंस लेवल खुद का चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो मैंने की, वहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा कि आप में कितना पेशेंस लेवल है बेस्ड ऑन वॉट एवर हैपेंड। दूसरा है आपका टेम्परमेंट, ठीक है। आपने मेरे कुछ मैंने कुछ बातें ऐसी की जानबूझ के, जो मैंने बेसिकली आपको प्रोवोक किया, ठीक है, तो आप गुस्सा हुए, ठीक है। मुझे वही देखना था कि आप लोगों का रिएक्शन क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आपको सपोर्ट देना चाहता हूँ। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं मतलब किसको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग ज़्यादा पेशेंस है उन लोगों को, जो लोग ज़्यादा गुस्से वाले हैं उन लोगों को, कैसे लोगों को मैं, कैसे लोगों के साथ मैं डील करना चाह रहा हूँ, ये भी जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल के आप सबके लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा हक बनता है कि मैं भी जानूँ कि मैं कैसे लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग मिले वैसे, जो लोग अपना टेम्परमेंट खो चुके और लिखना शुरू कर दिया यहाँ पे YouTube कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अगर आपके साइंस वैसे हैं कि आप छोटी सी ऐसी बात सुनकर आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ आपके बिज़नेस में भी हो सकती है, क्योंकि बिज़नेस में ये रोज़ होगा। जहाँ पे आप बायर्स के साथ बात करेंगे, बायर्स आपको गालियाँ भी दे देंगे बहुत बार फ़ोन पे, तो आप क्या करोगे, 2-4 गालियाँ आप दे पाए के सामने नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आप कहीं से परचेज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, उनके साथ भी कभी कभी बहस हो जाएगी, तो क्या करेंगे, उनको गालियाँ दे देंगे, नहीं दे पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि आप टेम्पर वहाँ पर नहीं खो सकते, आपको पेशेंस के साथ चलना है, और पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है बिज़नेस में, चाहे वो आपका ग्रोथ हो, चाहे कोई डील क्रैक होने वाली हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आप रेडी हैं कि नहीं है ये बिज़नेस डील के लिए, ये बिज़नेस जो आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। सिर्फ पॉलिसी समझ लेना और जान लेना कि हम रेडी हैं बिज़नेस के लिए, उतना सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। बिज़नेस में काफ़ी सारी अलग क्वालिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड सब मैटर करता है बिज़नेस में। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है बिज़नेस के लिए, ठीक है, आपका एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, लोगों को मेरा एटीट्यूड भी बहुत गलत लगा कल, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन बस कहने का मतलब यही था कि आप अपने आप को संभालिए, गुस्सा मत करिए और सेल्फ कंट्रोल रखिए, ठीक है। बिजनेस में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप के पैसे के बारे में, ठीक है। तो पैसे मैं किसी से भी लेने वाला नहीं हूँ, ये बात मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि मैं बेसिकली जानना चाहता था कि लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ, अगर पैसे लेने होते तो मैं अमेज़ॉन रेफरल से ले लेता, या फिर उन लोगों से भी पैसे लेना शुरू कर देता जो मुझे पर्सनल मैसेजेस भी करते हैं कि आप पैसे लेके मुझे हेल्प कर दो, लेकिन कर दो। लेकिन मैं सबको मना करता हूँ, आप एक इंसान को ढूंढ के लाइए जिसने कहा हो कि मैं पैसे लेने के लिए रेडी हो गया, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपके पास सारे ग्रुप के नंबर्स हैं, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसे का मैटर नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये ग्रुप मैं अलग अलग डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको डेडिकेटेड सपोर्ट मिल जाएगा और वो लोग आपको हेल्प करेंगे आपकी सारी क्वेरीज फास्ट ट्रैक में देने के लिए, ठीक है। ग्रुप छोटे हो जाएंगे लेकिन इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है।
छोटी जो भी होती है चीज़ वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कोई भी कंट्रीज़ की भी बात कर लें, ठीक है, कंट्री जितना छोटा होता है ना आप देखेंगे उतना ज़्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि मैनेज करना बहुत ईजी होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है वहाँ पे वो कंट्री को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये फैक्ट, मच्छर, ये फैक्ट है, और आपको यहाँ पर भी वो एप्लीकेबल रहता है, ग्रुप हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा गौर करिएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए ही मैंने सबको एक साथ डाला, ताकि आप लोगों को रियलाइज़ हो कि हाँ जो कह रहे हैं वो सही है, आपको खुद को एक्सपीरियंस हुआ, अब आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है सही है। अगर मैं पहले ही छोटे ग्रुप्स में डालता तो आप बोलते कि नहीं वेस्ट जोन में डाल दीजिए, मुझे सिटी में डाल दीजिए, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आपने देख लिया फ़ायदा क्या हुआ, किसी के ज़्यादा डील्स नहीं क्रैक हुए, किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं मिला, कोई फ़ायदा बेसिकली नहीं हुआ। तो अब आप रियलाइज़ कर लिए, अब मेरे मेरे प्लान के हिसाब से जाने दीजिए, और आपको जो फ़ायदा चाहिए आपको फ़ायदा वहाँ से मिलेगा। सेलर्स को मैं पूरा अलग रखूँगा, सेलर्स को मैं नॉलेज वाली ग्रुप में नहीं रखने वाला, किसी से भी कोई पैसे मैं नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, और ग्रुप में जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, अगर आप चाहें तो उनको डायरेक्टली उनके पेटीएम अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि वो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको मदद मिल रही है तो डायरेक्टली आप उनके पेटीएम अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज वो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ला रहा है, जैसे यूट्यूब मुझे पे करता है, ठीक है, ये वीडियोज़ बनाने के लिए, वैसे वो बंदा आपको हेल्प कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको जो भी मर्जी में आए, 1 रुपया हो या 50 रुपया हो या 10 रुपया हो, जब भी आपको हेल्प मिले तब आपको लगे कि हाँ देना चाहिए। ठीक है, भले एक साथ, एक रोज़ मत दीजिए, कभी भी जब भी आपका मन करे कि हाँ चलो थोड़ा देना है, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतना दिया, दे देंगे तो भी वो बंदा खुश रहेगा, उसका भी काम होगा और उसको भी लगेगा कि हाँ नहीं आगे करना चाहिए। ठीक है, मैं अकेला सब नहीं खाना चाहता, मैं सबको बांट के आगे बढ़ना चाहता हूँ इसीलिए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं रेफरल प्रोग्राम की। रेफरल प्रोग्राम में मैंने सबको लिस्ट भेज दिया है, अब वहाँ से काफ़ी सारे लोग अब कह रहे हैं कि मुझे इसमें नहीं करना है, मुझे उसमें नहीं करना है। तो जहाँ पर भी चेन ब्रेक हो रही है वो वहाँ से आगे से कंटिन्यू रखें प्लीज़। ठीक है, अगर सपोज़ कोई है बीच में कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो आगे उसके जो भी है उससे कंटिन्यू रखिए, आप एक दूसरे से बात करिए। पूरा लिस्ट मैंने भेज दिया है, फाइल भेज दी है, अब आप इंटरनली थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि अब मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं कैसे उसको हैंडल करूँ। ठीक है, मैंने पूरा सीक्वेंस में दे रखा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। कहीं पर भी कोई भी बंदा बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं करना है, आगे बढ़िए, दूसरा बंदा जो है उसको ऑप्शन दीजिए, वहाँ से फिर कंटिन्यू रखिए, वैसे करिए। ठीक है, और जो भी नए लोग हैं जिनको ये रेफरल प्रोग्राम में ऐड होना है, फॉर्म मैंने अभी भी वहीं पर मेंशन कर रखा है, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन पेज में, वहाँ पे आप वो फॉर्म फिलअप करिए ताकि आप लोगों को भी उसमें फ़ायदा मिले। 30 अप्रैल तक ही है ये ऑप्शन हमारे लिए। ठीक है, तो उसका फ़ायदा प्लीज़ उठाइए आप लोग, जितना पैसा मिला वो सब आपके लिए काम में आएगा। ठीक है, लेकिन पॉलिसीज़, उसके जो रूल्स हैं वो रूल्स भी एक बार आप समझ लीजिएगा मेरे पहले वाले वीडियो में जाके, कि वो कैसे आप एलिजिबल होंगे वो ऑप्शन के लिए। और टैली का एक ट्यूटोरियल मैंने बना दिया है, आज नहीं अपलोड कर रहा हूँ, कल सुबह अपलोड करूँगा टैली का, जहाँ पे मैंने अकाउंट में, मतलब टैली में परचेज़ की एंट्री, सेल की एंट्री और रिटर्न की एंट्री कैसे डालनी है, वो तीनों इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही वीडियो में डाल दी है। करीबन 10-11 मिनट का वीडियो है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। और टैली जिसके पास नहीं है तो कहीं से अरेंज करिए टैली, अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो डेटा हो सके तो टैली में आप मेंटेन करिएगा, और कहीं से हो सके तो उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लीजिएगा टैली की, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है आपको आगे, अभी नहीं तो बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में जो मैंने कमिटमेंट दिया था पहले 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद डायरेक्ट सोर्सिंग का, तो बस अब 10,000 सब्सक्राइबर्स होने आए, तो वो जैसे ही हो जाएंगे तो मैं अपना प्लान इनिशिएट करूँगा आप सबके लिए। साथ साथ जो भी हमारे सेलर्स हैं हमारे ग्रुप में, उनको भी पूरा अलग ग्रुप बना के उनके भी प्रोडक्ट्स मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ये आपको नहीं पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट्स मेरे हैं या फिर उनके हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर ना करूँ, ताकि ऐसा ना हो कि सब फिर मेरे से ही लेना शुरू कर दे और वो दूसरे सेलर्स के ना लें। मैं पूरी वेरीफाई करूँगा डिटेल्स कि वो फेक है कि नहीं है, पूरी कोशिश करूँगा, ठीक से उनसे जानूँगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स की लिंक आपको सेंड करूँगा जो भी ग्रुप में होंगे, ताकि आप लोग अगर बाय भी करते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी प्रोडक्ट्स जो भी आएंगी आपके पास विथ बिल आएंगी, ताकि कोई भी क्वेरी आए फ्यूचर में तो आपको वो प्रोडक्ट के बारे में इश्यू ना हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अब आएंगे आपके पास, मे बी अराउंड 5-10 हज़ार प्रोडक्ट्स के आसपास, क्योंकि
बहुत सारे सेलर्स तो ऑलरेडी हैं ही ग्रुप में, प्लस हमारे पास करीबन 150 ब्रांड्स हैं, 150 ब्रांड्स, आउट ऑफ विच 100 जितनी प्राइवेट मतलब ब्रांड्स हैं बड़ी, और 50 जितनी जो हैं वो प्राइवेट लेवल ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो वो सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आएंगे आपके पास, अगर आपको डील अच्छी लगती है तो फिर आप वो प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं, और वो प्रोडक्ट्स आपके पास वैसे आएगी, लिंक्स वैसे आएगी, डिटेल्स वैसे आएगी कि आप पूरा कंपेयर कर पाएंगे कि कहाँ पे इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आपके पास डिटेल्स आएगी, तो आपको वो बहुत ही आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो उसके लिए अभी आपको बस अब कुछ ही समय बाकी रहा है, तो आगे वो भी प्लान शुरू हो जाएगा। और दोस्तों आज अचानक हमारे ऑफिस में दो अलग अलग गेस्ट कह सकते हैं या सरप्राइज गेस्ट आ गए थे, एक शाम को आ गए थे जब मैं एक वीडियो ये बना रहा था, शूट कर रहा था तब, और एक दोपहर को आए थे, ठीक है। और उनके साथ करीबन 1-1.5 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे उनके साथ बिताए, दोनों के साथ मिला के, तो काफ़ी कुछ नॉलेज शेयरिंग भी हुआ उनके साथ डायरेक्टली बात करने से, और मुझे भी काफ़ी सारी नॉलेज मिली। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको एक्चुअली आना चाहिए डायरेक्टली, मैं इसको एंकरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे काम में थोड़ा हैम्पर हो जाता है, बट लेकिन अगर आ जाते कोई तो मैं मना भी नहीं कर सकता, ठीक है। बट आप लोग भी समझिएगा कि कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना अवॉइड करिए डायरेक्टली यहाँ पे आने का। मुझे पता है बहुत लोगों को अब एड्रेस पता चल गया है मेरे यहाँ के वेयरहाउस के, तो वहाँ पे आ जाते हैं या फिर सोच रहे होंगे आने का, बट ऐसा मत करिए डायरेक्टली क्योंकि ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। मैं मीटअप्स रखूँगा हर एक सिटी में, कोशिश करूँगा कि मीटअप्स रखूँ, देखूँगा कि मैं कैसे अफोर्ड कर पा रहा हूँ, कैसे क्या कर पा रहा हूँ, कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ, टाइम को अफोर्ड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सब डिसाइड करूँगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ पे मीटअप रख रहा हूँ। अहमदाबाद में तो बहुत ईजी है रखना, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं रखूँगा, महीने में एक आध बार शायद देखूँगा, ठीक है। तो मीटअप्स में बात करेंगे, तो आप प्लीज़ वेयरहाउस पे मत आइए डायरेक्ट, ठीक है। और मैं भी परेशान हो जाता हूँ, देखता हूँ अरे कौन आ गया, क्योंकि पहली बार देखता हूँ लोगों को और सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि हाँ भाई ये तो शायद वो व्हाट्सएप में फ़ोटो में देखा था वही है, तो ऐसा लगता है मुझे। बट अच्छा लगता है मिलके, काफ़ी कुछ जानने मिलता है और काफ़ी कुछ बताने भी मिलता है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ ऐसा ज़्यादा हो, बट अभी नहीं क्योंकि अभी हम बहुत ही मतलब फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं, तो टाइम बहुत ही कम मिल रहा है, तो आगे हम ऐसा करेंगे मीटअप्स में। तो दोस्तों ग्रुप्स अब 2 दिन तक आप वेट करिए प्लीज़, कोई मैसेज मत करिए पर्सनली कि ग्रुप्स का क्या होगा, ग्रुप सबका बन जाएगा और सब डिवाइड हो जाएंगे छोटे छोटे ग्रुप्स में। अगर आपको इंटरनली खुद के अलग ग्रुप्स मैनेज करने हैं ज़्यादा लोगों के साथ, 200-250 लोगों के साथ मैनेज करने हैं अलग से, तो आप करिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नंबर्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं ही, सारे नंबर्स पता ही होंगे आपको, तो आप अलग से करिए, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग साथ में रहेंगे और मिलजुल के रहेंगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो आप वैसे चाहे तो कर सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे ग्रुप में आप अलग से एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। बट लड़िएगा मत, झगड़िएगा मत, ठीक है, वो एक काम करिएगा, वरना ओवरऑल पूरे ग्रुप को पूरी टीम को इफेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग एक पूरी टीम है समझ लीजिएगा, कोई इंडिविजुअल नहीं है, पूरी टीम है, तो टीम के साथ चलना है, तो लड़िएगा झगड़िएगा मत, ग्रुप में छोटा छोटा आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, बट ओवरऑल मत करिएगा और जेंटलमैन की तरह रहिएगा और ग्रुप में हेल्प करते रहिएगा, ठीक है। और ये प्लान बी वाले जो ग्रुप है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रहेगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी गारंटी मच्छर मैं लेता हूँ, ओके, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं होगी और जो इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए उस हिसाब से आपको मिलेगी। बस 1-2 रूल जो भी बनाए थे पहले वो रूल्स थोड़े फॉलो करने होंगे और आप सबका काम बहुत ही ईजी और स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, टाइम इसलिए क्योंकि अगर टाइम नहीं लूँगा तो काम अच्छा नहीं होगा, इसलिए टाइम मांग रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बोल लिया मैंने, अभी चलता हूँ मैं भी घर, और आप लोग भी अभी थक गए होंगे, आराम करिए, ठीक है, और मिलता हूँ कल फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट।